रत्ना सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस को प्रतापगढ़ में चार दशक से मजबूती देने वाले परिवार की राजकुमारी रत्ना सिंह ने सीएम योगी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी अपना दल के प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह जी का और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से स्वागत करता हूं। लगता है कि क्या लेकर किस तरह की सोच लेकर भाजपा में आई, कारण क्या था? प्रतापगढ़ की आवाज जनता की सेवा करना चाहती हूँ तो भाजपा में आ, और पूरा देश योगी 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 कर रहा है या मोदी 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 कर रहा है, इस जनता के बीच सेवा करना है, जनता के बीच अच्छी कार्य करना है और तो हमें उनके बीच है। आज काला कांकर पर भगवा झंडा लहराएगा और इसी उम्मीद के साथ कि राजकुमारी रत्ना सिंह एक नई पारी शुरू करेंगी। धर्मेंद्र, तो कौन है राजकुमारी रत्ना सिंह वो भी आपको बता दें। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय की बेटी और रत्ना सिंह तीन बार सांसद रह चुकी हैं प्रतापगढ़ से और 1996, 1999 और 2009 में सांसद रही हैं। ये काला कांकर राज परिवार की रानी हैं रत्ना सिंह। कांग्रेस से एक दशक पुराना रिश्ता भी रहा। प्रमोदी तिवारी की करीबी भी मानी जाती है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, कांग्रेस ने 51 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के 51 जिलों में अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। अजय के अध्यक्ष बनने के